उमा चरित सुंदर में गावा, 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 सुनो शम चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तो प्रचंडम प्रकृष्टम, प्रकृष्टम का अर्थ है श्रेष्ठता, और श्रेष्ठ कौन है? जिसके भीतर श्रवण की श्रेष्ठता हो, मनन की श्रेष्ठता हो, निधिध्यासन की श्रेष्ठता हो, जिसमें निधिध्यासन हो, कथा तुम्हारे चरित्र में दिखाई पड़ने लग जाए, उसको कहते निधिध्यासन। तो तीन शब्द बाबा तुलसी ने यहां रखे हैं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम भानु कोटि प्रकाशम, अखंड अखंडम अजम भान कोटि प्रकाशम। तो भगवान भोलेनाथ प्रचंड हैं, प्रकृष्ट हैं, और तीसरा शब्द है प्रगल्भम। प्रगल्भम का अर्थ होता है निश्चित बुद्धि वाला, प्रगल्भ निर्भीक बुद्धि वाला और असंग बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि ने अब निर्णय कर लिया, अब डामाडोल की दशा नहीं, अब उहापोह की स्थिति नहीं है, अब यहां वहां भटकने की स्थिति, बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि हां ये ठीक तो ठीक, फिर लाख दुनिया कुछ भी कहे, जिसका चित्त डामाडोल न हो, फिर जिसकी श्रद्धा डिगे ना, वो है प्रगल्भ। बोले ना तो प्रगल्भ है, हाँ? फिर जहां अब कोई श्रद्धा अश्रद्धा की बात रही न जाए, जिसकी बुद्धि में निश्चितता हो, जिसकी बुद्धि में निर्भीकता हो, अब कोई भय नहीं, हाँ, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, अरे मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अब दुनिया का जिसको कोई भय नहीं, हाँ, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये बहुत बड़ी बीमारी। कई बार भक्ति के मार्ग पर लोग बड़े डरते रहते हैं, हाँ, जिसकी बुद्धि से भय निकल जाए, और जिसकी बुद्धि ने चुन लिया है कि बस यही हमारा सब कुछ है। मेरी लगी शाम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने, श्याम संग दिल लग गया ना, तो जो वहीं समर्पित हो जाए, फिर 10 जगह भटके ना, कृष्ण तो कृष्ण,
राम तो राम, हनुमान तो हनुमान, भोलेनाथ तो भोलेनाथ। फिर 10 जगह यहां वहां भटके न, बुद्धि से निर्णय कर लिया हो, निश्चित कर लिया हो, यही हमारा इष्ट देव, यही हमारा सदगुरु है, यही हमारा परिवार है, यही हमारा मित्र है। बुद्धि निर्णायक स्थिति में आ जाए उसको कहते हैं प्रगल्भ। और प्रगल्भ के भी 3 अर्थ, बुद्धि निश्चित हो, बुद्धि निर्भीक हो, और तीसरी बात बुद्धि असंग हो, किसी संग में लेप न हो, लिप्त न हो। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम प्रकाशम। और ये 3 हो, लेकिन एक शब्द और लगाया परेशम, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम, और साथ में कहा परेशम। ये 3 है, लेकिन इन 3 के साथ साथ बाबा आप परेशम, आप जगत के ईश हैं, आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं मालिक। हाँ, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। हे भोलेनाथ, वैदिक ब्राह्मण कहते हैं आप प्रचंड हैं, अति बलवान, प्रकृष्ट हैं, अतिश्रेष्ठ, आप प्रगल्भ हैं, निर्भीक और असंग बुद्धि वाले, और आप परमेश्वर हैं मालिक। और एक शब्द अखंडम अजम, आप अखंड हैं मालिक। हाँ, काल में कोई आपको खंड नहीं कर सकता, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। काल को हम लोगों ने कितना खंड कर लिया, महीनों में खंड कर लिया, 12 महीनों में, एक वर्ष में, कितने वर्षों में हमने काल को टुकड़े टुकड़े कर दिए, मिनट में हमने उसको खंड कर लिया, एक घंटे में 60 मिनट 60 टुकड़े कर लिए हमने। लेकिन भोलेनाथ काल नहीं, वो तो महाकाल है साहब, कोई खंड नहीं कर सकता, अखंडम। और भोलेनाथ अखंड इसलिए भी है, मृत्यु का वहां कोई भय नहीं, क्योंकि अजम अजन्मा, जो जन्मे उसे मृत्यु का भय हो। हाँ, लेकिन भोलेनाथ तो अजम है, इसलिए मौत भी जिसको खंडित न कर पाए वो है हमारे महाकाल, वो है हमारे आशुतोष भगवान शंकर।